करता केक बर्थडे बॉय। हाँ जी चलो भाई माचिस ले आओ। हाँ मैं माचिस लेकर आती हूँ रुको। चले जी। हाँ जी एसी ऑफ करना पड़ेगा। चलो 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 हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू डियर आशीष हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू मेरी चांस थैंक यू। अरे ये भी फोड़ना है। मैं बोलूं मेरे पे नहीं आता। कैंडल ब्लो द कैंडल प्लीज वन ओनली। ओह गुड इसको मंदिर में रखना है। हाँ ओ भैया डर गई। ओ क्या हाल कर दिया। थैंक यू सो मच। फ्लावर्स फॉर यू। अच्छा ये रियल ही है मुझे लग नकली लग रहे थे। नहीं नहीं रियल है। थैंक यू श्री। चलो 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 जल्दी जल्दी पार्टी करने चलना है। यस तो अब हम जा रहे हैं। बैठे कुछ बोलोगे अगली बार में भूख लग रही है मेरे को भूख। तो अब हम आ गए हैं टाइम मशीन में मतलब क्लब में और ये हम पहली बार आए हैं तो हमें यहाँ का क्राउड भी सही लगा तो हमने सोचा कि चलो यहीं बैठते हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़ा मज़े किए खाया पिया और फिर हम डांस के लिए गए पर अभी सारे बैठे हुए हैं और ये अपना अपना नाचने में लगे हुए हैं सारे के सारे। आशीष के सारे फ्रेंड्स थे और इसका मेरा हंसो मत ना प्लीज़। तो अब क्या मैं भी देखो कितनी शांति से बैठी हूँ सीधी सी लग रही हूँ क्योंकि अगर ये होता है ना कि मेरे इतने भी दोस्त हैं उनके साथ थोड़ा ऐसा हो रहा था मुझे फिर बाद में ठीक हो गया था। मैं ओपन हो गई थी उनके सबके साथ। तो यहाँ पे डांस करने में इतना मज़ा नहीं आ रहा था। यहाँ का हमें जो डीजे था वो बिल्कुल पसंद नहीं आया और तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम दूसरे में जाएं। हम अक्सर टॉय बॉय में जाते हैं तो हमने कहा चलो वहीं चलते हैं और इतना मज़ा ही नहीं आ रहा था यार। फिर पहले हमने इनका ही केक कट करवा लिया था और ये मज़े ले रहे थे सारे के सारे हम और केक भी काफ़ी यमी था। ये चमोली भैया का क्या नाम है ऋषभ भैया लेकर आए थे जो कि वाइट शर्ट में वाइट और ग्रीन वाली में और केक कट किया। काफ़ी मज़ा आया कि चलो हो गया। हमने अपना व्लॉग भी शूट कर लिया है यहाँ पे। मैंने कहा चलो यार व्लॉग भी बन जाएगा और उसके बाद हमने काफ़ी हुटिंग की मज़े करे और काफ़ी अच्छा दिन था। और उसके बाद यार जल्दी खिलाओ केक। मैं भी सोची थी खिलाया सब फिर सबको खिलाया और फिर और खुद खा गए। ये देखो कि मतलब खिलाया और एकदम खुद ही नहीं कि दूसरों को भी खिला दो इतनी जल्दी होती है। ऐसी हमारी एनिवर्सरी में किया था इन्होंने कि उसने कहा था कि केक खाओ और उन्होंने खुद खाने लग गए थे और यहाँ हमने डांस किया और मज़े में और हमारे भैया शूट कर रहे थे मज़े में वीडियो बना रहे थे। हम यहाँ इतने पागल हो गए थे कूद रहे थे कुछ नहीं देख रहे और मज़े में लगे पड़े हैं जो हो रहा है होने दो बस। तो मज़ा आ रहा था पर ये हमने टाइम मशीन में किया था डांस। फिर हम थोड़े से हो गए थे क्या करें उन्होंने कहा चलो यार जो हो रहा है होने दो। फिर मज़ा आ रहा था और भी मतलब फिर हमने देखा थोड़ा क्राउड सा कम हो गया। अब यहाँ आ गए हम टॉय बॉय में जो कि
यहाँ का डीजे टू बी ऑनेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हाथ पैर से कहते हैं ना, उठते हैं मन अंदर से होता है कि भाई अब तो फ्लोर तोड़ देना है, वो वाला सीन होता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी अपने फुल फॉर्म में आ रखा है लड़का, देख रहे हो देख रहे हो, इतने मज़े इनकी फ्रेंड्स के साथ इतने बेहतरीन डांस करते हैं। एक होता है ना पागलों वाला डांस, जिसमें मतलब मज़ा भी आता है और हंसी भी आती है सब कुछ। तो ये इन्होंने देखा कि ये यश भी वीडियो बना रही है, एकदम ये फिर अपने नॉर्मल से हो गए। शर्म ज़्यादा आती है बताओ। वैसे वैसे तो ये लाइव जाते हुए इंस्टा पर शर्माते नहीं है, सारे जितने भी फ्रेंड्स होते हैं सबसे बात करते हैं, और यहाँ पे कैमरे के सामने बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं। ओहो मैं बोलती बोलती भी थक गई हूँ। यहाँ पर उन्होंने मुझे भी शूट कर लिया कि चला जा तू भी आ जा। मैंने कहा हाँ सही कह रहे हो, मैं भी तो आई हूँ, मुझे भी ले लो। और उसके बाद ही सारे तीनों भैया मज़े ले रहे हैं पीछे, जो भी कोई बड़े दुकान चलता है लड़की लड़के वाला, ये हमें हमारी तरफ को इशारा कर करके और चिढ़ाते हैं, ये करते हैं। पूरा मज़ा आ रहा था यहाँ पे। तो ये नागिन डांस आई इतने मज़े में, ही देखा लगे पड़े क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता। झटके मार मार के डांस हो रहा था यहाँ पे, भूत बन गया, भूत बन गया था बिल्कुल। और उसके बाद थोड़ी देर, फिर मैं थोड़ी देर के लिए चली गई थी, मैं बहुत थक गई थी। मैंने कहा यार मैं बैठने जा रही हूँ, पर अभी शायद यहीं हूँ या गई हूँ, नहीं अभी तो यहीं हूँ। मैं और यश तो आके बैठ गए थे खाना खाने के लिए, और ये तीनों को मैं बुला रहा हूँ कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खाना आ चुका है, ठंडा हो रहा है। तीनों आने का नाम ही नहीं ले रहे, और भाई साहब पूरे उससे पूरी एनर्जी से नाच रहे हैं और रुक ही नहीं रहे, और बार बार हमें पास आके कि भाई तुम भी आ जाओ उठा रहा है मेरे को, बार बार मान नहीं रहे। लेकिन भाई बट बहुत बढ़िया वाइब थी, मज़ा आ गया कुछ तो। एक तो दोस्तों के साथ यार अलग ही वाइब आती है, और वैसे भी यार टॉय बॉय की मुझे बहुत बढ़िया वाइब आती है। यहाँ मानव और चमोली ने तो कंधे को उठाया हुआ है, और भाई ज़बरदस्ती उठाया है यहाँ तो कि भाई आ यार ऐसे कैसे तेरे बर्थडे है। तो और फिर घर जाते हुए हमने सोचा कि हम कोल्ड कॉफ़ी पीने चलते हैं। ये सेक्टर 118 है, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे कैफ़े टाइप के बने हुए हैं, बहुत सुंदर बने हुए हैं। रात का उसका एम्बियंट ही अलग है। और यहाँ पे चमोली और अंकुर दोनों कह रहे थे कि भाई वहाँ चलेंगे, मैंने कहा चल थोड़ी देर के लिए चल लेते हैं। और यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे, और हमारे पीछे बैठे हुए हैं, सामने उसमें नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ छोटी छोटी इस टाइप की चेयर्स लगाई हुई थी ये वाली, और वाइब बहुत अच्छी थी, पूरा अच्छा क्राउड था, मज़ा आ रहा था। इवन मैं यहाँ बोल रही थी कि पिकनिक का कितना बढ़िया है, दिन की नहीं रात की पिकनिक के लिए जाओ फैमिली के साथ, मज़े करो यहाँ पे। तो बहुत अच्छी वाइब थी मिली। मैं पता क्या बोल रही थी यहाँ पे कि कूलर लगा दो यार मज़ा आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।